हर महीने महिलाओं को पीरियड्स के दर्द से गुजरना पड़ता है। इस दौरान सर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द और चिड़चिड़ापन होना आम बात है। हालांकि इस दौरान कुछ महिलाओं को असहनीय दर्द का सामना भी करना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको उन कामों के बारे में बताएंगे जो आपको पीरियड्स के दौरान करने से बचना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उन 10 लकी विनर्स में से एक हो सकते हैं जो हर फ्राइडे पूरे 500 रुपीज का वाउचर जीतते हैं। आपको बस इस वीडियो को अंत तक देखना है और उस शब्द को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है जो आपको इस वीडियो में मिलता है। वाउचर रिडीम करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और माइलो ऐप को डाउनलोड करें। पीरियड के दौरान महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से बॉडी वीक हो जाती है। पीरियड्स का दर्द हर महिला के लिए अलग होता है, पर कुछ बातों का ध्यान रखकर आप इस दर्द को बढ़ने से रोक सकते हैं। अवॉइड फिजिकल इंटीमेसी विद योर पार्टनर। पीरियड्स के दौरान अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना चाहिए, इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही ये गलत धारणा है कि पीरियड्स के दिनों में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूज ऑफ सैनिटरी पैड्स। आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो पीरियड्स के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, जो कि उनके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। इससे कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर जो महिलाएं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं, वो भी कभी कभी लापरवाही करने लगती हैं। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को दिन में कम से कम 2 सैनिटरी नैपकिन्स यूज करना चाहिए। हाइजीन के लिहाज से ऐसा करना जरूरी होता है। दरअसल इस दौरान महिलाओं को प्राइवेट पार्ट्स में इरिटेशन, येलो डिस्चार्ज, ग्रीन डिस्चार्ज या फीवर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इन्फेक्शन रोकने के लिए टॉयलेट टिश्यूज यूज करें, टाल, हैंड सैनिटाइजर, एंटीसेप्टिक क्रीम्स, मेडिसिन साथ में रखें। अवॉइड टाइट क्लोथ्स। पीरियड्स के दौरान ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने, बल्कि ऐसे कपड़े पहने जिनमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। टाइट कपड़े पहनने से इरिटेशन होने की आशंका बढ़ जाती है। योर डाइट। पीरियड्स के दौरान आपको अपनी डाइट पर फोकस करना चाहिए। भूल कर भी खाना ना छोड़ें। ध्यान रखें कि इस दौरान आपके शरीर को खास न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, इसलिए हेल्दी डाइट फॉलो करें और जंक फूड से दूरी बना लें। इसके अलावा अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, जितना हो सके उतना पानी पिएं। वैसे हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि आपको इस दौरान सैनिटरी पैड्स चेंज करते रहना चाहिए। अगर आप रेगुलरली पैड्स नहीं चेंज करते हैं तो इन्फेक्शन होने की आशंका बढ़ जाती है। इसे कैसे रोकें? 4 से 8 घंटे में सैनिटरी पैड्स जरूर बदल लें। पैड्स को प्रॉपरली रैप करके थ्रो करें। इन्फेक्शन अगर हो या फिर इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने प्राइवेट पार्ट्स को नियमित तौर पर प्रॉपरली वॉश करें। सोप ना यूज करें, बल्कि हाइजीन इंटीमेट वॉश यूज करें। हल्के वार्म वाटर से प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करें ताकि इन्फेक्शन के साथ साथ स्मेल भी दूर हो जाए। पीरियड्स के दौरान आपको इन डूज एंड डोंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करें, बट लाइट रेगुलर वर्कआउट्स कर सकते हैं। योगा से बॉडी एक और स्टमक क्रैम्प से भी रिलीफ मिलता है। ज्यादा फूड लेना भी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसे डाइजेस्ट करना मुश्किल है और वजन भी बढ़ता है। ऑयली या फिर ज्यादा स्पाइसी फूड का सेवन ना करें। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, दही, चीज, पनीर को अवॉइड करें, क्योंकि इनमें एक तरह का एसिड होता है जो पीरियड के पेन को बढ़ाता है। जंक फूड और फास्ट फूड से परहेज रखें। ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइबरस फूड्स पर ज्यादा जोर दें। अवॉइड वैक्सिंग। पीरियड्स के टाइम वैक्सीन से दूर रहें, क्योंकि इन दिनों एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है। वैक्सीन करने से आपको ज्यादा पेन हो सकता है। अवॉइड अननेसेसरी मेडिसिंस। घरेलू रेमेडी पर ही भरोसा रखें। 8 से 10 घंटे नींद लें, इससे बॉडी रिलैक्स फील करती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके हमें अपने विचार जरूर बताएं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको समय समय पर सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।